केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मेरठ वाले बयान पर पूर्व बसपा नेता इमरान मसूद से टीवी 9 ने बातचीत की, जिस पर उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। दरअसल केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का समर्थन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी बनेगा। वह सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने केंद्रीय सेवाओं में जाट समुदाय को आरक्षण देने और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, सर छोटूराम और राजा महेंद्र प्रताप को भारत रत्न देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई थी। अब इसको लेकर इमरान मसूद का समर्थन भी मिला। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व का करीब 70% हिस्सा पश्चिमी यूपी से जाता है। जितना छोटा राज्य होगा उतना ही उसका विकास होगा। इसके अलावा राजधानी व हाईकोर्ट हमेशा पास पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक दृश्य से भी बड़ी भागीदारी मिलेगी। वहीं पश्चिम राज्य बनने के बाद बड़े मुस्लिम नेता के रूप में जानने वाले इमरान मसूद भी क्या सीएम की दौड़ में शामिल होंगे, इस पर इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। इमरान मसूद जी जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उन्होंने कल मेरठ में एक बयान दिया है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा और उसकी राजधानी मेरठ में होगी। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक चुनावी बयान है या क्या भाजपा इसको कर भी सकती है? अब ये तो साबित भाजपा को करना है, संजीव बालियान जी को करना है कि वो केवल जुमला बोल रहे हैं कि सत्यता बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। कितना फायदा मानते हैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग राज्य हो और मेरठ उसकी राजधानी हो, तो कितनी सहूलियतें और कितने फायदे होंगे? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश विडम्बना है कि हम लोग कमाते हैं और पूरे प्रदेश को चलाने का काम करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन में 70% से ज़्यादा रेवेन्यू पश्चिम उत्तर प्रदेश जनरेट करता है, लेकिन जो उसका हिस्सा हमें उस अनुपात में मिलना चाहिए वो पश्चिम को वापस नहीं मिलता, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो और चाहे वो विकास के रूप में हो, हमें वो हमेशा पीछे ही रहना पड़ता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक ताकत भी होगी, और ये बात मंत्री जी की बिल्कुल सही है कि देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी संख्या है, तो ऐसे में क्या लगता है अगर ऐसा राज्य बन जाएगा तो इमरान मसूद तो फिर सीधे चीफ मिनिस्टर की दावेदारी में आ जाएंगे वहाँ पर? अरे साहब, मैं तो चपरासी बन के खुश हूँ प्रदेश बन जाए, हमारे प्रदेश बने, प्रदेश के अंदर विकास हो और हम एक समृद्ध प्रदेश के नागरिक बने, यही मेरा सपना है। ये थे इमरान मसूद, जो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जो बयान आया था उसका समर्थन कर रहे हैं, साथ ही उसके फायदे भी गिना रहे हैं कि यदि अलग से एक पश्चिमी राज्य होता है तो यहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसा है जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो 70% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिलता है, और शायद यही वजह है कि अब इमरान मसूद भी उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले हमने सहारनपुर के व्यापारियों से भी बात की थी, व्यापारी वर्ग भी सरकार द्वारा जो मान बाकी जो केंद्रीय मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया उसको फैसले को लेकर भी वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।